ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। ये बयान था संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद का। अब समझिए क्या है पूरा विवाद। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मौजूद जामा मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से जहां हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी जीत मिली है, वहीं मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भूमि संभल शहर में ऐतिहासिक विरासत के रूप में स्थित विवादित जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को सिविल कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। हिंदू पक्ष का दावा था कि जामा मस्जिद की इमारत पौराणिक हरिहर मंदिर की है, जबकि इस्लामी राज में उसे मस्जिद का रूप दिया गया। जिसके बाद सारे तथ्यों को देखते हुए अदालत ने संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला? हिंदू पक्ष ने संभल के जामा मस्जिद को लेकर दर्ज की थी याचिका। शाही जामा मस्जिद के जगह मंदिर होने का किया था दावा। सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनाया फैसला, एएसआई को सर्वे करने का दिया आदेश। हिंदू पक्ष के संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने के दावे पर फैसला आने के बाद एएसआई की टीम मस्जिद का सर्वे करने संभल पहुंच चुकी है और एक बार सर्वे किया जा चुका है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा सुनिए। उन्होंने सर्वे किया है पूरी जामा मस्जिद का, पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे। लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही है। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश? नहीं देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विद इन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूँकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। विवादित इमारत को एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वहां 5 वक्त की नमाज तो हो रही है, लेकिन गैर मुस्लिम के प्रवेश पर पाबंदी है। संभल के सिविल जज के मुताबिक शाही मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे यानी वकील कमिश्नर से सर्वे कराने को कहा गया है। कोर्ट का कहना है कि इससे विवाद में न्याय करना आसान होगा। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सर्वेक्षण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाए। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर ने क्या कुछ कहा सुनिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहां पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला? नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्रीलिमिनरी सर्वे है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारे फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं दे सकता।